हेलो दोस्तों, जय माता दी। इस वीडियो में शेयर करूंगी करवा चौथ के बारे में पूरी जानकारी, संपूर्ण पूजा विधि व पूजन सामग्री। करवा चौथ 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। आइए जानें करवा चौथ दिन तिथि, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय, चतुर्थी तिथि, संपूर्ण पूजा विधि व पूजन सामग्री। करवा चौथ पूजा मुहूर्त रहेगा 24 अक्टूबर 2021 को शाम 5:27 से लेकर 6:43। इसकी अवधि रहेगी 1 घंटे 16 मिनट की, इलाहाबाद समय के अनुसार। करवा चौथ व्रत समय रहेगा सुबह 6:06 से लेकर शाम 7:56। इसकी अवधि रहेगी 13:50 की। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय समय रहेगा 7:56 शाम को, इलाहाबाद समय के अनुसार। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर 2021 को मध्यरात्रि 3:01 पे, समाप्त होगी 25 अक्टूबर 2021 को सुबह 5:43 पे। करवा चौथ का व्रत सभी व्रतों में महत्वपूर्ण माना गया है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूर्ण करती है। करवा चौथ का व्रत रखकर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को बिना जल और अन्न ग्रहण किए हुए पूर्ण करना पड़ता है। करवा चौथ का इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। मान्यता है कि तभी से करवा चौथ के व्रत को रखने की परंपरा आरंभ हुई है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने इस व्रत को रखा था। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। पति की लंबी आयु और सफलता के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां दिन भर अन्न और जल का त्याग कर करवा चौथ का व्रत पूर्ण करती हैं। करवा चौथ पर राहु काल का समय 24 अक्टूबर 2021 को शाम 4:02 से लेकर 5:27 रहेगा, इलाहाबाद समय के अनुसार। करवा चौथ की पूजा की पूजन सामग्री। मिट्टी की तोटीदार करवा व ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देशी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे। पूजा विधि। करवा चौथ वाले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले, सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण कर ले और फिर दिन भर निर्जला व्रत रखे। दीवार पर गेरू से फलक बनाए और भीगे हुए चावलों को पीसकर घोल तैयार कर ले। इस घोल से फलक पर करवा का चित्र बनाए। वैसे बाजार में आजकल रेडीमेड फोटो भी मिल जाती है, इन्हें वर कहा जाता है। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठावरी बनाए, मीठे में हलवा या खीर बनाए, पकवान भी तैयार कर ले। अब पीली मिट्टी और गोबर की मदद से माता पार्वती की प्रतिमा बनाए। इस प्रतिमा को लकड़ी के आसन पर बिठाकर मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चूड़ी, चुनरी और बिछुआ अर्पित करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। अब गौरी, गणेश और चित्रित करवा की पूजा करें। पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय सर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारिणाम हर वल्लभे। करवा चौथ पर 13 बिंदी रखे। गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहे या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें।
पानी का लोटा और 13 दाने गेहूं के अलग से रख लें। चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी की ओर से पति को देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त पति की लंबी उम्र और जिंदगी भर आपका साथ बना रहे इसकी कामना करें। अब पति को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लें और उनके हाथ से जल पिए। अब पति के साथ बैठकर भोजन करें। करवा चौथ के दिन सर्गी का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और लड़कियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सर्गी खाती हैं। सर्गी आम तौर पर सास तैयार करती है। सर्गी में सूखे मेवे, नारियल फल और मिठाइयां खाई जाती हैं। अगर सास नहीं है तो घर का कोई भी बड़ा अपनी बहू के लिए सर्गी बना सकता है। जो लड़कियाँ शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रख रही हैं उनके ससुराल से उन्हें पहले ही सर्गी दे दी जाती है। सर्गी सुबह सूरज उगने से पहले खाई जाती है ताकि दिन भर ऊर्जा बना रहे।